बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार को पटना लौटे। दिल्ली से लौटने के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए सीधे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को तबाह करने की कोशिश कर रही है। बिहार के सीएम ने कहा, मैं विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। मेरा विश्वास है कि विपक्षी नेता जल्द ही एकजुट होंगे और सभी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देंगे। 2 से 3 महीने में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला अंतिम होगा। फिलहाल मैं विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। पार्टी के काम में लगे हैं और कर रहे हैं, तो ठीक ही बात है। तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई चीज के बारे में बातचीत तो हुई है। आगे का लोकसभा का चुनाव 24 तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सबको कहीं समझना हुई बात तो ये अच्छा बात हुआ। नीतीश कुमार ने कहा, हम काम में विश्वास रखते हैं और बिहार में विकास कार्य कर रहे हैं। जब मैंने बिहार की कमान संभाली थी तब बिहार की प्रजनन दर 4.3 थी और अब लड़कियों की शिक्षा के कारण यह 2.9 हो गई है। हम काम करते हैं, प्रचार नहीं। भाजपा पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, भाजपा एक बदली हुई पार्टी है, ये भाजपा नहीं है जो अटल जी के समय हुआ करती थी। भाजपा की नीति और नियम अब बदल चुके हैं। पटना लौटने के बाद कुमार ने लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में विभिन्न विपक्ष नेताओं के साथ बैठक के नतीजे से अवगत कराया। यूपी सरकार प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर रही है। पीलीभीत से इटावा तक योगी सरकार 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट बनाएगी। बता दें, 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल पशुपालन विभाग की ओर से इम्यून बेल्ट के अंतर्गत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लंबी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा संभालेगी। वहीं संक्रमित पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही इन्हें इम्यून बेल्ट के भीतर ही रोकने की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसी कोशिश इससे पहले 2020 में मलेशिया में हो चुकी है, जिसके काफी पॉजिटिव नतीजे सामने आए थे। दरअसल लंबी वायरस पशुओं में पाए जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। ये मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और टिक्स द्वारा एक पशु के शरीर से दूसरे पशु के शरीर तक पहुंच जाता है। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को तेज बुखार आने के साथ ही उनकी भूख कम हो जाती है। बता दें कि यूपी के 23 जिले लंपी वायरस की चपेट में हैं। इनमें अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। वहीं मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ, शामली और बिजनौर में भी वायरस तेजी से फैल रहा है। वहीं लंपी वायरस के चलते यूपी में अब तक 2,331 गांवों के 21,619 गोवंश वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 199 की मौत हो चुकी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के कार्यक्रम से पश्चिम बंगाल को जानबूझकर बाहर रखा गया है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश की पीएम भारत आई और मुझसे मिलने की इच्छा के बावजूद बंगाल नहीं आई। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार दोपहर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि शेख हसीना ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल आने में गहरी रुचि व्यक्त की थी, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से पश्चिम बंगाल को उनके दौरे के कार्यक्रम से बाहर रखा गया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शिकागो और चीन समेत कई जगहों पर जाने नहीं दिया गया। हमको शिकागो से इनविटेशन आया, रुक दिया, जाने नहीं दिया। हमको स्टीफेंस कॉलेज से इनविटेशन आया, रुक दिया, जाने नहीं दिया। चाइना से इनविटेशन आया, रुक दिया, जाने नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ, जाओ जाओ तुम लोग जाके घूम के आओ, हमारा बंगाल में हम घूमता तो हमारा सारा विश्व हो जाता। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा कर वो 2024 में उस जिले की 2 लोकसभा सीटों को हथियाने में कामयाब हो जाएंगे। ये कभी भी सच नहीं होगा। वो बीमार हैं, हर चुनाव से पहले उन्हें नजरबंद रखा जाता है, लेकिन ये बात उन्हें रोक नहीं पाई। जब तक अनुब्रत हमारे साथ हैं, बीरभूम जिले में हमारी ताकत 3 गुना रहेगी। ममता ने कहा कि टीएमसी के 99% नेता और कार्यकर्ता ईमानदार और पारदर्शी हैं, बाकी 1% के लिए कानून अपना काम करेगा और पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि ये वही कर्लीज रेस्टोरेंट है जहाँ पर सोनाली फोगाट संदिग्ध परिस्थिति में नजर आई थी और फिर उनकी मौत हो गई थी। इस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नूंस ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्टोरेंट ने नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है। इसके खिलाफ इसके मालिक एडविन नूंस ने एनजीटी में अपील की। इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। एडविन नूंस के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में आरोपी को ड्रग्स बेचे गए थे, क्योंकि होटल एक प्रसिद्ध राजनेता के दोस्त का है। देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की गुजरात यूनिट ने प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। सितंबर के अंत तक पार्टी की योजना स्क्रूटनी कमेटी और संसदीय बोर्ड के अप्रूवल के लिए लिस्ट को अंतिम रूप देने की है। विधानसभा चुनाव दिसंबर 2022 में होने हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुछ जिलों में प्रत्येक सीट पर कम से कम 3 से 4 इच्छुक उम्मीदवार द्वारा जिला समितियों को अपना बायोडाटा जमा कराने की संभावना है, तो वहीं कुछ सीटों पर 12 से 16 इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा जमा करा सकते हैं। राज्य पार्टी अध्यक्ष जगदीश राठौर ने बुधवार शाम को इच्छुक उम्मीदवारों से 12 सितंबर तक जिला और शहर कांग्रेस समितियों को अपना बायोडाटा जमा कराने को कहा है, जिसे 15 सितंबर तक राज्य पार्टी इकाई को प्रस्तुत किया जाएगा। इन बायोडाटा की 18 सितंबर को प्रदेश के पार्टी नेताओं द्वारा समीक्षा की जाएगी और 21, 22 और 23 सितंबर को जोनल प्रभारी चुनाव समितियों के सदस्यों के विचार और राय प्रदेश के पार्टी नेताओं द्वारा सुनी जाएगी। सूरत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनहर पटेल को उम्मीद है कि समिति पैनल को अंतिम रूप देने की समय सीमा को पूरा करेगी। प्रत्येक सीट पर मांगरोल सीट को छोड़कर 4 से 5 इच्छुक उम्मीदवार हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ मांडवी सीट पर जीत मिली थी, बाकी 4 बीजेपी के खाते में गई थी। कर्नाटक के पुत्तूर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बस कंडक्टर एक यात्री से मारपीट करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बस कंडक्टर यात्री के सीने पर लात मारकर उसे बस से बाहर गिरा देता है। पूरा वीडियो दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर तालुक में ईश्वर मंगला का बताया जा रहा है, जिसमें एक पैसेंजर KSRTC बस में था, लेकिन बस संचालक ने यात्री की छाती पर लात मारकर उसे बस से गिरा दिया। यात्री के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स की पहचान बस नंबर K21F0002 के कंडक्टर सुब्बा राज राय के रूप में हुई है। वीडियो में जाहिर तौर पर यह यात्री नशे में लग रहा है। बस में चढ़ते समय कंडक्टर यात्री को रोकता है और उसका छाता सड़क पर फेंक देता है। इसके बाद कंडक्टर ने यात्री को बस से नीचे उतरने के लिए कहता है। इसी दौरान मारपीट हो जाती है, जिसके बाद गुस्साए कंडक्टर ने यात्री को पहले थप्पड़ों से मारा और फिर आखिर में यात्री के सीने पर लात मारकर उसे बस से गिरा दिया। इतना ही नहीं, बस कंडक्टर उसे सड़क पर गिरा छोड़कर ही बस को ले जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद बस कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।